अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। तो देखिए, हम बना रहे हैं आज चिकन सज्जी, जो कि पाकिस्तान का है, बहुत ही फेमस। तो देखिए, हमने चिकन मंगाया है ऐसे, जैसे चार पीस में मंगाया है, और मैंने इसमें इस तरह से कट लगा लिए हैं। तो ये हमारे हैं छः पीस लिए मैंने। देखिए, इनको कट कर लिया है इनको इस तरह से, इनमें छुरी से आप देख सकते हैं, आगे से पीछे से, जिसमें मसाला अच्छा। क्या बात कर रहे हैं बाबा? देखिए, ये मैंने बनाया है घर में मसाला सच्ची का, ये मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी। और ये है कुटी हुई मिर्च, और ये है नमक, और ये है लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये रहा सिरका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और करते हैं इसको तैयार। तो देखिए, अभी हम इसको डालते हैं सारा मसाला। अभी मैं स्पून से इसको बाद में साफ करूँगी, और इसमें करूंगी सिरका ऐड अपने अंदाजे से। ओके, और लेंगे ऑयल 2 टेबल स्पून। तो देखिए, जो हमने लगाया है इसमें सब्जी में मसाला, इसमें ऑयल है, मसाले हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट है, सिरका है। तो देखिए, ये जो हमारा मसाला है, इसको अच्छे से मिक्स करके इस तरह से, जो हमारा मसाला है उसमें फ्रूट चाट मसाला है, खटाई है, और पिसी हुई मिर्च है, और है ना, मैंने उसमें डाला है थोड़ी सी काली मिर्च, और है ना, साबुत धनिया जो होता है उसको मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था और पीस लिया था। ठीक है, मल दूंगी चिकन को ऐसे ऐसे करके अच्छे से अंदर तक लगा दूंगी मैं, और हाथ में तो बाद में सोचा जाएगा कि मिर्चों का क्या होगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से अच्छे अच्छा अंदर से घुसेड़ेंगे इसको, मसाला लेंगे और इसको अंदर लगाएंगे अच्छे से, और इसको कम से कम हम मैरिनेट करेंगे 1.5 घंटा, और रख देंगे इसको फ्रिज में। आप देख सकते हैं, ये हमारे 6 पीस हैं, क्योंकि अभी हमारे मेहमान आने वाले हैं। हम आज एक ऐसी रेसिपी शेयर करेंगे, कढ़ाई चिकन की या सब्जी की, तो एक अलग करेंगे और एक अलग बनाएंगे ब्लॉग। ठीक है, ये लग गया हमारा अच्छे से। ठीक है, और अब रख दूंगी इसको मैं फ्रिज में। मैं अपने हैंड वॉश करती हूँ। और सब्जी जो है बिना तेल के नहीं बनाई जाती, उसमें थोड़ा तेल जो है जरूर मिक्स किया जाता है। सब्जी तेल के बिना नहीं बनती है, तेल से जो है उसका टेस्ट ज्यादा अच्छा होता है। और हम दिखाएंगे अभी आगे आपको इसका और क्या होगा, और किस तरह से बनाई जाएगी सब्जी, जो अब जामा मस्जिद पर भी काफ़ी जगह मिलने लगी है। सब्जी बहुत फेमस हो रही है पाकिस्तान की सब्जी। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। हैं, ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तो देखिए, हमने भगोना लिया है, भगोने में प्लेट रखी है, नीचे डिश है। तो चलिए देखिए, हम रखते हैं अपना चिकन जो हमने लगाया था मसाला। तो हमारे यहाँ स्टीम का इंतज़ाम नहीं है, तो हम इस तरह से स्टीम करेंगे इसको। और हमने इसमें ऑयल लगाया था, तो आप देखिएगा जो हमारा ऑयल था उससे इसका टेस्ट कितना अच्छा होगा। और ये स्टीम ही स्टीम में पकेगा, फिर हम आगे का जो रेसिपी है इसका भी हम बाद में बताएंगे आपको, जो इसकी आगे की रेसिपी है। हम इसको ऐसे करेंगे और अपना जो है ये बर्तन हम वॉश करेंगे। अच्छे से तो सब्जी आजकल छतरी कबर पे, जामा मस्जिद पर बहुत ही बिक रही है, और बहुत अच्छा लगता है सब्जी चिकन, टेस्ट में बहुत ही लाजवाब होता है। तो देखिए, हमने जो ये स्टीम में रख दिया है, ये जो तेल के साथ जो हमारा चिकन पकेगा तो इसका टेस्ट ही जो है वो अलग आएगा। इस तरह से लेंगे और हम इसको कर देंगे स्टीम अपने भगोने में। आपका भगोना घर पर कैसा है वो हमें पता नहीं, हमारा भगोना ऐसा है तो हमने इस तरह से रख दिया है। पहले हम पकाएंगे इसको फुल आंच पर, कम से कम हाई फ्लेम पे 20 मिनट। ठीक है, और उसके बाद हम कर देंगे अपनी लो फ्लेम। ठीक है, अभी हम दिखाएंगे इसके बाद आगे क्या होगा। देखिए, हमारा देखिए धुआं सा निकलता हुआ आ रहा है, और अब ये स्टीम में पकेगा। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो चलिए, हम देखते हैं अपना चिकन। ओहो, माशाल्लाह से देखिए आप,
कितना अच्छा चिकन हो गया है हमारा, स्टीम में पक गया है। और ये देखिए जो ऑयल का कलर आ रहा है इस पर, कितना अच्छा आ रहा है आप देख सकते हैं। तो अभी हम टेस्ट करते हैं कि गल गया है, देखिए गल गया। बहुत ही टेस्टी, लाजवाब। तो आप भी अपने घर में सब्जी जरूर बनाइएगा। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई ये कहाँ पर। तो चलिए अब देखते हैं। तो बिल्कुल देखिए हमारा चिकन है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। अब देखिए आप कैसा हिल रहा है चिकन। गाइस देखो चिकन कैसा हिल रहा है, माशाल्लाह। चलिए अब हम देखते हैं आगे क्या होता है और आपको दिखाते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से हमारी इलेक्ट्रिक अंगीठी जो है वो लग गई है, ठीक है, हमने अपने किचन में लगाई है। देखिए ये स्काई लाइन की है मेरी अंगीठी, और जो हमारा स्टीम हुआ है चिकन यानी सज्जी चिकन वो ये रहा, ये भी रेडी हो गया है। बस अब नदीम आएंगे और आप देख सकते हैं माशाल्लाह कैसा गर्म हो रहा है। नदीम की वेटिंग है और जो मेहमान आ रहे हैं उनकी वेटिंग। ये देखिए हम ग्रीन चटनी बना रहे हैं, हमने इसमें मसाला ऐड कर दिया है। देखिए हमारी ग्रीन चटनी जो है वो चिकन की रेडी हो गई है, इसमें मसाला नमक और हमने सब चीज़ ऐड कर दिए। देखिए माशाल्लाह से कलर, और ये बहुत ही टेस्टी बनती है चटनी। अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे। तो देखिए ये बनना स्टार्ट हो गया है, आपको इसको बारबेक्यू भी करना पड़ेगा स्टीम देने के बाद। तो देखिए ये हमारा बटर हो रहा है, ठीक है, हम इस पे लगाएंगे अभी बटर चिकन पर अपने। अच्छे से बटर लगाएंगे और देखिए माशाल्लाह तो आप देख सकते हैं हमारा चिकन जो है, देखिए हमारी इलेक्ट्रिक अंगीठी जो है वो मैंने स्टार्ट कर दी, और ये रहा हमारा चिकन माशाल्लाह से। माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, किस किस के घर में ये अंगीठी है गाइस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप देख सकते हैं हमें कितनी गर्मी लग रही है ना गाइस, बहुत गर्मी हो रही है। हमारा बन रहा है चिकन और बहुत ही गर्मी हो रही है शदीद वाली। तो हमने सोचा जल्दी से उनके आने से पहले कि उन्हें अंगीठी पे इसको रख दें और ये इसको तैयार करने रख देते हैं। तो ये तैयार हो रहा है हमारा चिकन, आप देख सकते हैं गर्मी जो है बहुत ही शिद्दत की हो रही है। इधर हो गया हमारा चिकन रेडी और इधर हो गया हमारा खाना रेडी, दही भी तैयार है, बटर भी मेल्ट हो गया, बस नदीम का वेटिंग है आने का, बस आ जाए और हम खाना लगाएँ। घर भी अंदर तैयार है कि आएँ और हम खाना खाएँ, और बहुत ज़ोर की भूख लग रही है, महक भी भूखी है। बस नदीम आ जाए तो हम जल्दी से खाना खाते हैं और आपके साथ शेयर करेंगे कैसा बना गाइस। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो ज़रूर देखिए पूरी, हम नाराज़ हो जाएंगे आपसे। तो देखिए अब लगाते हैं इस पर बटर अच्छे से, इसका जो स्मोकी फ्लेवर आ रहा है ना चिकन का, हम आपको शेयर भी नहीं कर सकते, हम आपको कैसे बताएं गाइस। आप देख सकते हैं हमने लगाया बटर अच्छे से, और न्यूट्रीलाइट बटर लिया है क्योंकि हमारी डाइट चल रही है, कि हम जरा हमारी दवाई चल रही है तो हमारा डाइट फुल खाना चल रहा है, तो हमने न्यूट्रीलाइट मक्खन मंगाया है। देखिए माशाल्लाह आप हमारे चिकन की रौनक देख सकते हैं गाइस। चलिए अभी और सिक जाए अच्छे से, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने डाल दिया है बटर, बटर देखिए कितने अच्छे से डाला है हमने और लगाया है, और आप देख रहे हैं इसका फ्लेवर जो स्मोकी सा आ रहा है हल्की हल्की। तो अभी हमने कर रखा है बिल्कुल लो फ्लेम,
जब तक नदीम आएंगे और ये हो जाएगा रेडी। तो चलिए आप भी बनाइएगा, अपने घर में टेस्ट कीजिएगा। ये सब्जी चावलों के साथ ज़रूर खाइएगा। अभी हमने चावल नहीं बनाए क्योंकि हमारे साथ बहुत ही काम था। तो आप हमारे मुंह पर देख सकते हैं ना कितने पसीने आ रहे हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा टेस्ट करते हैं, चिकन लेते हैं। नदीम चल रही है, भूख लग रही है बहुत ज़ोर की। आओ मैं इसको भी टेस्ट करती हूँ, मैं इसको भी टेस्ट कराती हूँ। मैं कह रही कैसा है? अच्छा अच्छा बना है, बहुत ही टेस्टी बना है भैया। आप देखो गाइस ये रहा, बस दिल चाह रहा मैं खा जाऊँ इसको। ऐसे तोड़ती हूँ और मैं यूँ खाती हूँ। बनते हुए खाने का मज़ा अलग ही कुछ है। गाइस देखिए पसीने आपको दिख रहे हैं। हमें बहुत गर्मी लगती है, हम गर्मी में कहीं नहीं जाते, हम अपने घर पर ही रहते हैं। खाओ पियो ऐश करो, अपने घर पर रहो। बड़ी गर्मी हो पापा। अरे भैया बड़ी गर्मी। ये है बटर, मेहक हमारी हेल्प कर रही है आज ब्लॉग में। तो हमारी जो स्टिक है जिसपे हम मोबाइल लगाते हैं रिंग लाइट, तो वो नीचे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो देखिए हमारी पोपो हमारी हेल्प कर रही है, थैंक यू पोपो। देखिए मैं कैसा लग रहा है चिकन, बहुत ही अच्छा और खाने में कितना अच्छा हो। ओह गॉड, देखिए मेरी बेटी मेरी बहुत हेल्प करती है गाइस। आप भी हमारे चैनल के लिए ज़रूर हेल्प कीजिए। और देखिए बटर हम भर भर के लगा रहे हैं क्योंकि न्यूट्रल लाइट है भाई, नुकसान नहीं देगा, नुकसान तो देगा कुछ, लेकिन हम खाएंगे आज गाइस। चिकन और इधर हो गया सालन भी रेडी, बस गरम हो गया। अब हम करते हैं डिशिंग। देखिए हमारा चिकन हो गया है रेडी। हम डाल रहे थे इस पे बटर और ये इतना टेस्टी बना था गाइस, हम आपको क्या बताएं ये कैसा था। आप अपने घर में अपना भी बनाइएगा और खाइएगा। हमारे मेहमान अंदर बैठ गए थे तो हम अंदर से प्लेटिंग को नहीं दिखा पाए, हमने किचन में ही अपनी प्लेटिंग करके आपको दिखाई है। तो गाइस ज़रूर बनाइएगा आप अपने घर में और अपने शौहर अपने बच्चों अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा ये रेसिपी। ये बहुत ही लजीज और लाजवाब टेस्टी बनती है। देखिए ये रहा महक का चिकन और ये रही महक। कैसा है महक, अच्छा बना है? और देखिए ये आए हुए हमारे मेहमान, हमारे देवर साहब पैसल भाई, सही पका है खाना? और मियाँ जी कैसा बना है खाना? बढ़िया। और ये रहा हमारा खाना, चलिए आइए खाइए आप भी। ओ गॉड बहुत मज़ा है, हम आपको चिकन टेस्ट करके बताते हैं अपना दही के साथ रोटी के साथ। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, लाजवाब एक नंबर। तो हम खाना खा चुके थे, 12 बज रहे थे, हमने सोचा कुछ मीठा हो जाए। तो देखिए गर्मी का मौसम है तो गर्मी में तो बनती है लस्सी दही की या आम की। तो हम बना रहे थे लस्सी और अंदर चल रहे थे सॉन्ग, माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल था घर पर। तो हम कह रहे थे आपको भी लस्सी पसंद है और मुझे तो गाइस लस्सी बहुत पसंद है दही और आम की, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ अपनी बेटी और अपनी फैमिली के साथ। देखिए हम महकती और हम ते अंदर लस्सी पी रहे थे, उधर भाई और नदीम भी पी रहे थे और इधर हम पी रहे थे। तो चलिए आप भी लस्सी पिया करिए, गर्मियों में बहुत ही अच्छी लगती है और टेस्टी हो रही थी। तो करेंगे हम सिप, मिलेंगे इंशाल्लाह एक न्यू व्लॉग के साथ में। प्यार मोहब्बत बनाए रखिए आप हमारे साथ, आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, बाय बाय। मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।